हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरेंद्र बिटकेयर में आपका स्वागत है। फ्रेंड, हम आज हम आप सबको मस्टीलेप हर्बल स्प्रे के बारे में बताने जा रहे हैं। फ्रेंड जहाँ पे हमारे गाय भैंस भेड़ बकरियों में फ्रेंड थनैली की समस्या है, थनैली हो गई है फ्रेंड, तो वहाँ पे फ्रेंड ये स्प्रे जो है अपने पशुओं में फ्रेंड दिन भर में 2 से 3 बार फ्रेंड उसके थनों में फ्रेंड जो है मार सकते हैं। अगर फ्रेंड जो है कंपोजिशन की इस स्प्रे कंपोजिशन की बात करते हैं फ्रेंड, जिस तरह फ्रेंड आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें फ्रेंड जो है नीम ऑयल मिलाया गया है फ्रेंड। जहाँ पे घाव हो गया है थनों में फ्रेंड जो है वहाँ पे स्प्रे लगाने पे फ्रेंड जो है मक्खियाँ नहीं बैठती हैं। और फ्रेंड जिस तरह आप देख पा रहे हैं कि इसमें हल्दी मिलाया गया है फ्रेंड, हल्दी भी जो है दर्द को कम करता है और वहाँ पे जो है एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक के रूप में जो है काम करता है फ्रेंड, और घाव को भी भरने में काम करता है। इसके अलावा फ्रेंड तुलसी पुदीना विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक के जो है उसमें तत्व मिलाए गए हैं फ्रेंड। जहाँ पे फ्रेंड गाय भैंसों में मेस्टाइटिस की समस्या है, थनैली की समस्या है, घाव हो गया है, सूजन हो गया है फ्रेंड, थनों से ब्लड आ रहा है, तो फ्रेंड वहाँ पे ये स्प्रे आप जो है नज़दीकी मेडिकल स्टोर से लेके अपने संबंधित पशु चिकित्सक की मदद से फ्रेंड जो है इसको आप दिन भर में 2 से 3 बार फ्रेंड जो है थनों पर उसके मार सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर फ्रेंड जो है मक्खियाँ नहीं बैठेंगी और विभिन्न प्रकार के जो है कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे और घाव को और नहीं बढ़ाएंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड जो है अगर हम जो है इसकी MRP की बात करते हैं फ्रेंड, तो ये लगभग आपको जो है बहुत अच्छा इसमें सस्ते में ही मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा इसकी MRP नहीं है, लगभग जो है 100 के करीब या उसी के आसपास ही फ्रेंड मिल जाएगी आपको। और फ्रेंड जो है अगर हम इसके अलावा बात करते हैं फ्रेंड, तो इसको घाव में भी फ्रेंड जहाँ पे घाव हुआ है फ्रेंड वहाँ पर भी मार सकते हैं, लेकिन जिसका अधिकतर यूज फ्रेंड मेस्टाइटिस पे बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसका यूज आप मेस्टाइटिस में ही करें, इसके अलावा जो है फ्रेंड ना करें। इसके अलावा फ्रेंड आज आज आप सबको बने रहने के लिए फ्रेंड थैंक यू, धन्यवाद।